एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जो कि बी फार्मा फाइनल ईयर 7 सेमेस्टर में फार्मेसी प्रैक्टिस के यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 है। और यही सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में, जो कि पहले हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के नाम था, अब ये कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के नाम से ये सब्जेक्ट है, तो जिसमें आप ये चीज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं हॉस्पिटल में, कैसे कराए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसमें से इस चैप्टर से दो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में कितने प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द कोड ऑफ एथिक्स फॉर द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट होते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट, उनके क्या क्या प्रिंसिपल हैं, क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स हैं। ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर से मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने सेशन है कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन ट्रेनिंग, जो एजुकेशन और ट्रेनिंग हो रही है जो किसी भी अस्पताल में सारे एम्प्लॉयज़ के लिए और फार्मासिस्टों के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, सब एम्प्लॉय के लिए जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो रही है उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है, वो कैसे फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर सकता है, इसको समझते हैं। पहला है टू इंस्ट्रक्ट ऑल ऑन मेडिसिन इंक्लूडिंग फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, डिवाइस ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन। यानी जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा दोस्तों, तो वो दवा के बारे में जो बताने वाला सेशन होता है वो हमेशा फार्मासिस्ट ही लीड करेगा। फार्मासिस्ट ही बताएगा किसी भी दवा का फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स रिएक्शन क्या है, ड्रग इंटरेक्शन क्या है, डोज क्या है, ये सारा कुछ आपको फार्मासिस्ट ही इंट्रोड्यूस कराएगा। टू इंस्ट्रक्ट एंड एजुकेट ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ ऑल मेडिसिन, किसी भी इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम नहीं खाना है, किस पेशेंट को कितना देना है, इसका भी इसके बारे में भी आपको फार्मासिस्ट ही बताएगा। टू मॉनिटर प्रोडक्ट्स सोल्ड डायरेक्टली टू द पब्लिक, टू प्रिस्क्रिप्शन टू ट्रेंड्स एंड द सिलेक्शन मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ द ड्रग बाय द गवर्नमेंट एंड लोकल परचेजिंग एजेंट, किसी भी अस्पताल में किसी भी मरीज को जो दवाओं को दिया जा रहा है, जो उसकी डीलिंग हो रही है, बच्चों को ये सिखाना, यानी बच्चों का मतलब है जो नए फार्मासिस्ट होते हैं उनको ये सिखाना। इसके साथ स्टोर में काम करने के हिसाब से जो भी दवाओं का खरीद है, फरोख्त है, डॉक्यूमेंटेशन है, मेंटेनेंस है, स्टोरेज है, ये सारा भी ट्रेनिंग फार्मासिस्ट ही प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ रूल्स ऑफ कंट्रोलिंग द मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ द ड्रग, ये आपको डेवलपमेंट करना है। इसके साथ ट्रेनिंग, सुपरविजन, गाइडेंस कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर वर्कर के साथ, ये चीज़ें प्रोवाइड करना भी फार्मासिस्ट का काम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप समझते हैं दोस्तों, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब है कि जो नए एम्प्लॉई आपके आ चुके हैं उनको यहाँ पे जो सिस्टम पहले से चल रहा है उसके बारे में समझाना। ध्यान से दो बातें इंपॉर्टेंट है, पहला जो नए एम्प्लॉई हैं उनको पुराने सिस्टम के बारे में समझाना, और जो पुराने एम्प्लॉई हैं उनको नई तकनीक के बारे में समझाना। बात समझ में आ गई ना, दो सिस्टम हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। पहला जो नए वर्कर आए हैं, जो नए लोग ज्वाइन किए हैं, हमारे अस्पताल में क्या पहले सिस्टम है, कैसे काम होता है, कैसे मरीज एडमिट होते हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है, इसके बारे में समझाना। और अगर नई टेक्नोलॉजी, मान लीजिए कोरोना आया, नई बीमारी थी, उसका वैक्सीनेशन नया पैटर्न है, कोई नई मशीन आई हॉस्पिटल में, तो इन सब नई टेक्निक्स के बारे में पुराने वर्कर्स को समझाना, इन दो चीज़ों के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला चीज़ है कि ट्रेनिंग क्यों करनी है, तो पहला है टू डेवलप वर्किंग कैपेबिलिटीज़ इन हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू देयर प्रेजेंट रोल। ठीक है, किसी भी जो आपके हॉस्पिटल में उनको ट्रेनिंग देकर हम उनके जो रोल को बेहतर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपका रोल क्या है। टू डेवलप कैपेबिलिटीज़ इन ऑल वर्किंग टू डेवलप बेटर रिलेशनशिप इन हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी हॉस्पिटल में कभी एम्प्लॉय के बीच में आपस में रिलेशनशिप अच्छा रहेगा उसके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। टू डेवलप हार्मोनाइजेशन एमंग डिफरेंट टीम यूनिट्स विथ देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए कोई ECG वाला है, कोई लैब वाला है, कोई फार्मेसी वाला है, कोई नर्सिंग में है, कोई पैथोलॉजी वाला है, ठीक है, कोई फिजियोथेरेपी वाला है, तो ये अलग अलग टीम्स होती है हॉस्पिटल में, इनके बीच आपस में समन्वय बना रहे, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से चिढ़े रहे और मरीज आए तो जाओ पैथोलॉजी वाले से जाकर पूछो, पैथोलॉजी वाला कोई मरीज आके आपसे पूछे जाओ फिजियोथेरेपी वाले से पूछो, तो मरीज परेशान होगा। अगर आपके बीच आपस में समन्वय नहीं है उसके लिए भी ट्रेनिंग सेशन होगा, आप लोग साथ में बैठेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, तो एक दूसरे से दोस्ती यारी बनती है और आप फिर एक दूसरे का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं हॉस्पिटल में दोस्तों, वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब है कि जब अस्पताल के अंदर ही और अस्पताल के जो एम्प्लॉई हैं, अस्पताल के जो अधिकारी हैं, वही आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, दिस इज इंटरनल। और एक्सटर्नल का मतलब होता है कि अस्पताल के बाहर के किसी दूसरे अस्पताल के किसी दूसरे के बाहर के अधिकारी या बाहर के कोई लोग आपको सेमिनार आके दे रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सटर्नल। तो इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि जिसमें कुछ अस्पताल के स्टाफ होते हैं,
वही स्टाफ जो सुपीरियर होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, वो अपने लोअर सबऑर्डिनेट्स को, छोटे कर्मचारियों को या बाकी लोगों को ये चीज़ें सिखाते हैं। इसे कहते हैं इंटरनल प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला होता है इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन का मतलब होता है शुरुआत करना, यानी जब कोई नया कर्मचारी किसी अस्पताल में ज्वाइन करता है, चाहे वो फार्मेसी में हो, चाहे वो लैब में हो, चाहे पैथो में, कहीं भी हो, जब कोई नया कर्मचारी ज्वाइन करता है तो उसको वहाँ के पुराने कल्चर, पुराने सिस्टम, उस पद्धति को समझाया जाता है, उसको उस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि कोई काम कैसे होता है, किस तरह किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इंडक्शन प्रोग्राम। ठीक है, दिस टाइप प्रोग्राम इज जनरली प्रोवाइडेड इन द इंटायर न्यू रिक्रूटेड एम्प्लॉय, जो नए एम्प्लॉय है उनके लिए किया जाता है, एट द टाइम ऑफ दियर ज्वाइनिंग ऑफ हॉस्पिटल, यानी अस्पताल ज्वाइनिंग करते समय उनको ये सिखाया जाती है। इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम सेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्टल्स क्वालिटी, हॉस्पिटल की क्वालिटी, उसकी पॉलिसी, उसका विजन, उसका मिशन, ठीक है, ये सारे प्रोसीजर उसको समझाए जाते हैं। दूसरा है ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये तो हो गया शुरुआत में। अब ऐसा नहीं कि एक बार आपने ट्रेनिंग कर लिया तो अब आप हनुमान जी हो गए, अब हमेशा आपको कोई जरूरत नहीं ट्रेनिंग की। आप ड्यूटी करते समय, नौकरी करते समय बीच बीच में, छः छः महीने में, साल में, दो साल में, नई नई चीज़ों के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको मोरल एथिक्स समझाए जाते हैं। कभी कभी होता है कि जो कोई एक एम्प्लॉई शुरू में आता है तो बहुत मन से काम करता है, लेकिन एक ही काम करते करते बोर हो जाता है, तो फिर एक साल दो साल बाद उसका काम में मन नहीं लगता, तो फिर वो फॉर ग्रांटेड ले लेता है, किसी भी काम को मन से नहीं करेगा, टालने वाला काम करता है। तो उनको मोटिवेटेड रखना, उनको नई चीज़ों के बारे में सिखाते रहना, उनके डिवीज़न को चेंज करते रहना, भाई छः महीना मेल वार्ड में था तो उसको अगले छः महीना फीमेल वार्ड में भेज दो, कोई फार्मेसी ओपीडी में था तो उसको इंडोर में भेज दो, इंडोर में था तो उसको स्टोर में भेज दो, तो उसको स्टाफिंग करना, चेंज करते रहना भी होता है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग समय भी ये सब होता है, जैसे कि हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वेरियस रिस्क एम्प्लॉइंग क्या है, ठीक है, इस टाइप की ट्रेनिंग लगातार पेशेंट एम्प्लॉइज को दिया जाना जरूरी है। ठीक है, ट्रेनिंग ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ स्टाफ, मैंने बताया ना कि ट्रेनिंग आपको क्या करना है, स्टाफ के रोटेशन भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टाफ का रोटेशन अगर आप नहीं करेंगे तो वो स्टाफ एक ही काम करते करते बोर हो जाते हैं और वो फिर वो काम को बहुत मन से नहीं करते, तो रोटेशन करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग देनी होती है, उनको लगातार सिखाया जाता है नए काम के बारे में, ताकि वह बंदा वहाँ के सभी कामों के बारे में ट्रेन हो जाए। ठीक है, कल को कोई ना रहे, कोई रोटेशन हो, कोई स्टाफ छुट्टी भी जाए, कोई स्टाफ से कोई दिक्कत हो जाती है तो दूसरा स्टाफ उसके काम को कंटिन्यू करे और काम बंद नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम की। तो मैंने बताया था आपको पहले से क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, कि जब कोई बाहर का व्यक्ति आकर के सेमिनार लेता है, वेबिनार लेता है, हॉस्टल को समझाता है, ट्रेनिंग देता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम। द एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर जनरली कंडक्टेड बाई समवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल, जो अस्पताल का बाहर का है। इन दिस प्रोग्राम द एक्सटर्नल कोर्सेज आर टॉट बाई प्रोफेशनल्स हु हैज स्किल्ड एक्सपर्टाइजेशन एट द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, यानी जिस ट्रेनिंग के बारे में, जिस बारे में आपको बताया जा रहा है उस पर कोई ट्रेंड पर्सन आता है, कोई स्किल्ड पर्सन आता है, बाहर से आता है, कोई सुपीरियर पर्सन आता है जो आपको इसके बारे में बताता है। इन सच ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड आउटसाइड परसेप्शन इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट, क्योंकि लोग अपने घर वालों को उतना ध्यान से नहीं सुनते जितना बाहर को सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाहर का होने के कारण लोगों का थोड़ा सा इंटेंशन ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। ठीक है, एक तरह का नए तरीके का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, कुछ और भी तरीके होते हैं ट्रेनिंग कराने के स्टैंडर्ड इंटरनल के अलावा, जैसे कि एग्जांपल है एडवांसमेंट, इंट्रोडक्शन, चेंज टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट। जब भी कोई नया मशीन आ गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया चीज़ आ गया, कुछ एडवांस कर रहे हैं आप अस्पताल में, मान लीजिए पहले आपका मैनुअल काम होता था रजिस्टर में, अब आपने एक सॉफ्टवेयर ला दिया, अब आप कंप्यूटर पर काम करेंगे, तो ये एडवांसमेंट है, तो इस बारे में ट्रेनिंग देना भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। और मॉक ड्रिल क्या है, मॉक ड्रिल क्या है, मान लो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप कोरोना की तीसरी लहर, लोग कह रहे हैं आएगी आएगी आएगी, भगवान करे कभी ना आए, और जहाँ तक है नहीं आएगी, तो मान लीजिए किसी अस्पताल में हमने 1000 बेड का अस्पताल बनाया और वहाँ पे अस्पताल में हमने अचानक से कुछ मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल मतलब होता है कुछ रिहर्सल, अभ्यास करना, हम डुप्लीकेट पेशेंट ले आएंगे, मतलब डुप्लीकेट पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट जिस कोरोना पॉजिटिव है लेकिन हम उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको कैसे हम करेंगे, तो उस समय हम क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, कैसे ऑक्सीजन सप्लाई देंगे, कैसे बेड्स होंगे, कैसे डॉक्टर रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी एक रिहर्सल, यानी एक काल्पनिक रिहर्सल हम करते हैं उस अभ्यास को पहले से, कैसे आर्मी वाले युद्ध अभ्यास करते हैं, तो वो असली युद्ध से पहले अभ्यास करने से उनको थोड़ी सी आइडिया मिलता है कैसे युद्ध लड़ना है। जैसे खिलाड़ी जो होते हैं मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह से जो अस्पताल के एम्प्लॉई हैं किसी भी काम को करने से पहले उसका अभ्यास करते हैं, इसे क्यों मॉक ड्रिल कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है कोड ऑफ एथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये किसी भी फार्मासिस्ट के क्या कोड ऑफ एथिक्स होते हैं आप पॉइंट वाइज लिखिए। अगर आपसे एग्जाम में 8 नंबर 10 नंबर का पूछता है तब तो आप सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए, अदरवाइज आपसे शॉर्ट में पूछेगा तो आप जितने 8 पॉइंट है सबको बस हेडिंग हेडिंग लिखिए, और ये हेडिंग आप बना के नहीं लिख सकते, आपको एग्जैक्ट वर्ड बाई वर्ड याद, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये रूल है, इस पर आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको वर्ड बाई वर्ड इस चीज़ को याद रखना होगा।
पहला है प्रिंसिपल नंबर वन, फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द प्रोफेशनल्स रिलेशनशिप विद द पेशेंट एंड एक्ट विथ हॉनेस्टी इंटीग्रिटी एंड कंपेशन। यानी जो भी मरीज होगा फार्मासिस्ट उसके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखेगा। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि अपना खास है तो दवा उसको बिना पर्चे के दे दिए, उसकी दवा पर्चे में 10 गोली लिखी आपने 30 दे दिया, भाई जाओ रखो तुम हर महीने फालतू क्या होगा ले जाओ, तुम मेरे खास दोस्त हो। नहीं, काम की सही ईमानदारी करनी है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना है, किसी के साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं करना है। अछूत है, जुआ जात दूसरी है, हम हिंदू हैं वो मुसलमान है, या हमारे जात का है या हमारे परिवार का है, हमारे गांव मोहल्ले का नहीं, आपको हमेशा प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ उसके हॉनेस्टी इंटीग्रिटी और अपने कंपेशन को मेंटेन रखना है। दूसरा प्रिंसिपल नंबर टू, फार्मासिस्ट ऑनर द इंडिविजुअल्स नीड वैल्यू एंड डिग्निटी ऑफ द पेशेंट। हमेशा फार्मासिस्ट को ध्यान देना है कि जो सामने वाला मरीज है वो हमारे लिए देवता है, उसकी हर चीज़ का हमें ख्याल रखना। अगर कभी डॉक्टर से कुछ गलती हो रही है प्रिस्क्रिप्शन में तो उसको करेक्ट करें, उसको बात करें, डॉक्टर को पेशेंट को उसके बारे में समझाए। इंडिविजुअल की नीड क्या है, हर पेशेंट की अपनी नीड होती है अलग अलग। ठीक है, कोई धीरे सुनता है, कोई तेज़ सुनता है, कोई नहीं देख पाता है, वो सबको दिक्कत है कुछ ना, उसकी वैल्यूज़ हैं। और डिग्निटी ऑफ द पेशेंट, और उस पेशेंट का सम्मान बना के रखें, उससे अभद्र भाषा में बात ना करें, कितना भी गुस्सा हो जाए पेशेंट की लाइन लगी है तो चिल्ला जाए, चिल्लाने लगे, डिग्निटी मेंटेन रखें। फार्मासिस्ट सपोर्ट द राइट ऑफ द पेशेंट टू मेक पर्सनल चॉइस अबाउट फार्मेसी केयर। फार्मासिस्ट को क्या करना है, पेशेंट का जो पर्सनल चॉइस है वो फार्मेसी केयर के बारे में, उसको हमेशा उसके बारे में उसको सपोर्ट करना है। फार्मासिस्ट प्रोवाइड अ कंप्लीट केयर to the patient and actively supports the patient right to receive competent and ethical care. ध्यान देना हमेशा कि जो patient है उसे हमेशा competent, पूर्ण और सही उसको इलाज मिले, इसके लिए हमेशा patient को उसको पूरे care, patient care service में उसको अपना support देना है, अपने उसकी भागीदारी भी निभानी है। प्रिंसिपल फाइव है, फार्मासिस्ट प्रोटेक्ट द पेशेंट राइट ऑफ कॉन्फिडेंशियली। ठीक है, जो पेशेंट की राइट्स है, यानी पेशेंट के जो अधिकार है कि उसको राइट ऑफ कॉन्फिडेंशियली, उसकी जो आपकी गोपनीयता है उसको बचा के रखनी। मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको कोई बीमारी है, मान लीजिए HIV हो गया, वो आपके एडमिट हो गया। अब ये नहीं कि भैया फलनवा जो मरीज ले गया है ना बेड नंबर 5 में, बेचारे को एड्स हो गया है, पचरवा के ई हो गया है, बेचारे कैंसर हो गया है। अब फिर हमारे इंडिया में आप जानते हैं कितनी तेज़ी से गॉसिप फैलता है, एक मुँह से दो मुँह, दो मुँह से चार मुँह, धीरे 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 उसका सोशल स्टेटस खराब हो सकता है, समाज में उसके बारे में लोग गलत बातें कर सकते हैं। इसलिए आपको उसके राइट, आपको ध्यान दें उसके राइट ऑफ कॉन्फिडेंशियली, इस चीज़ को हमेशा मेंटेन रखना है। पता चला किसी को कोई जेनाइटल प्रॉब्लम हो गया, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गया, लोग बताने से घबराते हैं, लोग डिस्कस नहीं करते। अब आप डॉक्टर, आप फार्मासिस्ट हैं, आपको मालूम चल गया तो पता चला तुम औरतों की तरह लगे चुगली करने, सॉरी यहाँ पे मैंने औरतों वर्ड दिया क्योंकि एक कहावत है, लड़कियाँ इस पर नाराज़ ना हो, ठीक है, तो उनकी तरह लगे चुगली करने और चार गाँव बताने लगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान दे रही है। ठीक है, फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द वैल्यू, प्रिंसिपल नंबर 6 है, फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द वैल्यूज एंड एबिलिटीज ऑफ द कलीग्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल। जितने भी अलग लोग काम कर रहे हैं अस्पताल में, जो अलग फार्मासिस्ट है उनके साथ आपको सम्मान से पेश आना है, उसकी वैल्यूज़ करनी है, और जो अलग और अदर स्टाफ है हॉस्पिटल में उनके बारे में भी आपको ध्यान देना है। प्रिंसिपल 7, फार्मासिस्ट एंड्योर टू एंश्योर दैट द प्रैक्टिस इन्वायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू सेफ एंड इफेक्टिव फार्मेसी केयर। उसे ध्यान देना है, इस तरह से मेंटेन करना है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, अपने प्रैक्टिस को, ताकि अगर फार्मेसी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव हो। इफेक्टिव मतलब कि आप मरीज किसी भी कारण से आपसे गलती ना हो, मरीज की जान ना जाए आपकी गलतियों की वजह से, या उसे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। प्रिंसिपल 8, फार्मासिस्ट इंश्योर कॉन्टीन्यूटी ऑफ द केयर इन द इवेंट ऑफ जॉब एक्शन फार्मेसी क्लोजर और कॉन्फ्लिक्ट विथ मॉरल बेनिफिट्स। ठीक है, उसे ध्यान देना है कि जो उसको सर्विस कर रहा है वो सर्विस कंटिन्यू रहे, दवाओं सब बटना, मरीजों का केयर वो लगातार चलता रहे। ठीक है, उसके जॉब एक्शन फार्मेसी क्लोजर और कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी भी और कारण से लड़ाई झगड़े से फार्मेसी बंद ना हो, किसी भी दिक्कत ना हो, पता चला लड़ाई हो गई काउंटर पर मरीज से लड़ाई हो गई तो फार्मेसी बंद हो गया, ये हड़ताल ना करो भाई, आप गुस्सा हो गए हमको हमारी मांगे पूरी करो, आप हड़ताल कर दिए, आपने कॉन्फ्लिक्ट किया और पेशेंट को दिक्कत हो रही है, किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में फार्मेसी बंद ना हो और मोरल बेनिफिट्स जो पेशेंट को हम मिलते रहे लगातार। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे के पूरे एथिक्स, और हमने चैप्टर नंबर 4 ख़त्म कर लिया है, एक चैप्टर और बचता है, फिर उसके बाद फिर यूनिट नंबर 3 ख़त्म कर लेंगे, और यूनिट 3 ख़त्म होने के बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर होल्ड करते हैं, अब पहले इंडस्ट्रियल फार्मेसी शुरू करते हैं, उसका 2-3 यूनिट ख़त्म करते हैं, फिर इस पर वापस आते हैं, जैसा आप कहिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।